वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक पर दिल से स्वागत। जी हाँ, मेरे साथ भाई साहब हैं जिसको आप कंसीडर एज ए फ्रेशर भी कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने खास काम किसी दुबई वगैरह में नहीं किया, हल्का सा मलेशिया में काम किया हुआ है। पर अगर ये एज ए फ्रेशर यहाँ पर माल्टा में आकर 2 लाख पर मंथ कमा सकते हैं, पर आपको ये भी जरूर बोलेंगे आज की वीडियो में साहब बोला कि यहाँ पर पैसा ईजी नहीं बनता है, वो डिस्कस करेंगे। पर आप जो लोग फ्रेशर देख रहे हैं, बहुत सारी जॉब निकली पड़ी भाई साहब के होटल में, भाई साहब होटल में काम करते हैं, और भाई साहब का कहना है कि वैसे जो माल्टा कंट्री है बहुत अच्छी कंट्री है, आपको आना चाहिए क्योंकि यहाँ का लॉ बहुत फेयर है और यहाँ की पब्लिक और पुलिस दे आर वेरी गुड एज कंपेयर टू अवर होम कंट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पर आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो आपकी फ्री एंट्री आपको डालनी है, फ्री गिव वे जो कि सिंगापुर में चल रही है, आपको फ्री टिकट दी जाएगी, प्लस आपको फ्री सीवी देना है। तो एक और भाई साहब भी इंटरली बॉय के जो फ्रेशर है, आप भी सर आ जाओ साथ में इधर, तो इनको भी वेलकम करेंगे, इनको इनकी बाद में लेते हैं 2 मिनट। इनकी सर शुरू कर, सर आपका नाम क्या है और आप पहले बताइए कि आप अपनी मर्जी से इंटरव्यू दे रहे हैं कि नहीं? अपनी मर्जी से दे रहा हूं। मैं अपनी मर्जी से इंटरव्यू दे रहा हूं। आपको आपका नाम और कहां से? मैं नेपाल से हूं। नेपाल से हो, और आप बताएं कि भाईजान आप यहां पर जॉब होटल में कौन सी करते हैं? मैं होटल में ऑलराउंडर करता हूं। ऑलराउंडर? हां, एग्जांपल वेटर भी करते हैं, हाउस कीपिंग करते हैं? ऑलराउंडर नहीं, हाउसकीपिंग नहीं करता हूं, वेटर करता हूं। फूड कौन से होटल में काम करते हैं रफली? मैं हुगस में काम करता हूँ। हुगस में काम कर रहे हैं आप, होटल में काम करते हैं, वहाँ पर आप वहाँ पर काम करते हैं, और आज आपका डे ऑफ है और आप यहाँ पर हो, मुझे आप इंटरव्यू दे रहे हो। सर आप बताओ, डे टू डे जो आप काम करते हैं, क्या जॉब रिस्पॉन्स, क्या काम होता है आपका, कितने घंटे का होता है, क्या ब्रेक मिलती है, और जो लोग आपको देख रहे हैं क्या काम टफ होता है, क्या लड़कियाँ भी कर सकते, बताएं प्लीज थोड़ा सा काम के बारे में बताएं। नहीं, ऐसा है कि इधर में जो काम होता है वो उतना टफ तो नहीं होता है। ओके, लेकिन काम आना चाहिए, थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। वेटर का एग्जांपल वेटर के लेते हैं ना, जैसे वेटर का एग्जांपल, एक वेटर, मैं वेटर ही हूँ, लेकिन मैं वेटर करे उधर से मलेशिया में ही किया था मैंने एक बार। हाँ, बताया था आपने मुझे। लेकिन इधर मैं आके मैं वेटर कर रहा हूँ। तो ये सर पहले ऐसे लड़के हैं जो मेरे चैनल थोड़ी एज 30+ है, और वो एज ए यहाँ पर फ्रेशर आए हैं, और मैं भी शॉक में लोगों को बोला फ्रेशर नहीं आ सकते, कम कई बार बोल देता ना अपने लोग सी बनाते, पर ये लड़का इज द फर्स्ट एग्जांपल फॉर जिसे मलेशिया में सिर्फ 3-4 महीने काम ही किया है और यहाँ पर आया। सर इसके घर में भी कोई छोड़ा पड़ा है? जो सर है मैं इनकी द्वारा लेता हूँ, लड़के सर मैं द्वारा लेता हूँ, बुरा मन वाला, ठीक है? तो मैं कैमरा यहाँ पर टर्न करता हूँ। आप यहाँ पर कौन सी जॉब करते हैं और कहाँ से हैं? मैं नेपाल से हूँ। और आप अपनी मर्जी से इंटरव्यू दे रहे हैं ना? मेरे मर्जी से, मैं नए नए आया हूँ, आपका चैनल भी देखता था, जब से मैंने डिलीवरी पे अप्लाई किया था तब से आपका चैनल देखता था, सबसे आपका वीडियो देखता था। ओके, माल्टा कंट्री कैसे लगी बताओ पब्लिक को? माल्टा तो बहुत अच्छी कंट्री, लोग अच्छे हैं। हाँ, लोग अच्छे हैं, इधर का आदमी है ना बहुत हेल्पफुल है, सब सोशल है ना, जैसा अपनी कंट्री में था वैसा ही है। ओके, बस इधर का लैंग्वेज अलग है, लेकिन इंग्लिश तो जैसे होता है ना डेली लाइफ में वैसे तो आने चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पहचानना चाहिए इंग्लिश में। तो अच्छा नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन उसको समझ आना चाहिए क्या बोल रहे हैं। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी, स्टडी कितनी की? मैंने बैचलर पढ़ते आ गया हूँ, प्लस टू की ना, प्लस टू पूरी। देखो लड़का कितना, वीडियो लाइक करना यार, कोई लड़का कैमरा बोला मैं प्लस टू कर आया, मेरे पास कोई स्किल नहीं, फ्रेशर आया, कोई एक्सपीरियंस इसके पास खास है नहीं नेपाल में, दोनों लड़के फ्रेशर है, आप में से एक है जिनका गैप भी इतने बीच में है स्टडी छोड़े हुए भी। तो सर जब आप यहाँ पर आए, सच बताना नेपाल में डिलीवरी बॉय के कितना पैसा बनता है और यहाँ कितना बनता है नेपाल का? नेपाल में अपने देश में बैठ कर अपने घर में खाना खाकर उतना अच्छा ही होता है, लेकिन उधर का महंगाई, उधर का जो है ना रहन सहन है ना, उधर का पैसे नहीं बचते, पॉकेट में नहीं रहता है। इधर आओ तो एक महीने में सैलरी बनता है, उससे थोड़ा ज्यादा बनता है, लाइफ स्टाइल भी चेंज होता है, आदमी को समझ आता है क्या क्या करना है, कैसा होता है दुख कष्ट, कैसा होता है समझ आता है। स्ट्रगल होता है। आया हूँ मैं नेपाल में भी, मेरे पास था स्किल था, मैं मोटर पार्ट्स पे काम करता था, मैं गाड़ी भी चलाता था, 7-8 साल से गाड़ी भी चला रहा था, लेकिन नेपाल में कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ ना? मेरा अपना गाड़ी भी लिया था, नहीं वो बेच दिया, नेपाल में कुछ नहीं हुआ, कोरोना आने के बाद सब खत्म हो गया। अब यहाँ पर कितना पैसा बनता है रफली बता दीजिए? मैंने तो हाल ही में काम शुरू किया है, 20 दिन हुआ है काम शुरू किया है। आपके सीनियर्स का कितना बनता है? जो सीनियर्स, आपके सीनियर्स का जो टाइम देते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं कस्टमर के साथ, वो उसको पैसन, काम को पैसन देते हैं जो अच्छा, लेकिन टाइम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर, लोकेशन मिलाकर चलते हैं डिलीवरी करने के लिए, ब्रेकफास्ट टाइम पे, लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे, वो वीकेंड पे अच्छे से करते हैं, उनको तो बन जाता है, लेकिन 2-2.5 लाख बन जाते हैं। देखो कितना, मैं ना ये चीज देखूंगा, ये लड़का ना ऑनेस्ट है,
देखो एक भी दिन डिलीवरी का इसने काम नहीं किया इंडिया नेपाल में, पहली बात ऑनेस्टली। फिर कह रहा प्लस टू पास हो, ड्राइविंग का काम करता रहा, कभी छह सात छोटे छोटी सी एज का आगा, कभी चला काम कभी नहीं चला, कार तक इसकी बिक गई है। लेकिन आज इसने यहाँ पर जो है 2.5 लाख कमाता है, पर ये भी आपको मैसेज दे रहा है जो आपने सुन नहीं पा रहे हो कि वो ब्रेकफास्ट में भी काम करता है, लोग एक चीज मिस कर जाते हैं, लंच में भी करता है और डिनर में भी काम करता है, और फिर बनता है 2.5 लाख, ऐसे नहीं बनता है। तो गाइस ये लड़का कह रहा है, अगर कोई लड़का फ्रेश है, मैं तो नया हूँ इधर, मेरे को सच्चे हो इस बार, इस महीने दूसरे महीने नहीं बनने वाली क्योंकि मेरे को इधर पहचान है, जगह इनका रूट अभी पता नहीं है। मैं जो लोग का रूट पता है वो पैसा टाइम बचा लेते हैं, डिलीवरी जल्दी करते हैं, बहुत इनका ऑर्डर पड़ा हुआ, बस रेडी हो जाएगा। रोड बस एक मिनट के पूछा, आप भी बताओ कि ये चलाना मोबाइल से इजी है, ऑर्डर पक्का चला इजी है, मोबाइल इजी है एकदम। आप अगर नहीं पढ़े लिखे हो ना, ये इसको ऑर्डर पड़ा है, बहुत इजी है, लड़का ये कह रहा है ये ऑर्डर बहुत ज्यादा इजी है, और लड़का कह रहा है कि आप एज ए फ्रेशर भी यहां पर आ सकते हो, बस अपना सीवी कट बना ऑनलाइन अप्लाई करो, कोई चक्कर में पत पड़ो ना। 50-52 वर्ष के लोग भी काम कर रहे हैं, हमारा 52 इयर्स के भी कर रहे हैं, 60 के भी कर रहे हैं, 18 के भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, यहाँ पर कोई एज मैटर नहीं करती, यहाँ पर मैटर ये भी नहीं करता है कि आप लोग पढ़े कितना हो और रिफ्रेशर भी नहीं है ना। ईमानदार होना है इधर, अपने आपको अच्छे से काम करना है बस। देखो ईमानदारी सबसे अच्छी है, और ये कह रहा है रस्ते सीख जाओ, 2-2.5 लाख बताओ कौन देता है एज ए फ्रेशर, जिसका गैप ईयर है, आपके लिए बहुत मोटिवेटेड है। आप गैप ईयर अगर आपकी कार बिक भी गई, आप तो माल्टा से बस आपको सीव कट, आप खुद बना लो गूगल में, इतने फॉर्म मिलते हैं, नहीं तो आप मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम आईडी रियल गैरी रास्ते पर, गाइस आपको वीडियो को लाइक करना। सर जो आपको पेट्रोल का फ्यूल है वो आप देते हैं, कंपनी कंपनी अनुसार के फर्क फर्क होता है, कंपनी डिफरेंट डिफरेंट होता है, कोई कंपनी अपना देता है, कोई कंपनी डालने को बोलता है, वो परसेंट का हिसाब होता है, कोई 5% 10% ज्यादा देता है पेट्रोल, अपने आप डालना पड़ता है, कोई कम देता है पेट्रोल वो देता है। और जो इंश्योरेंस है वो बाइक, इंश्योरेंस तो बाइक कंपनी करता है सब, इंश्योरेंस कंपनी की है, बाइक भी कंपनी की है, पेट्रोल कुछ कंपनी देती है कुछ नहीं देती, कुछ लोग मोबाइल के पैसे भी देती है, लड़के लास्ट में कुछ नहीं देती है, ये आपको पता करना। आप यहाँ पर कौन सी फ्लीट से काम कर रहे हो, आपकी कंपनी आई नो बोल्ट वोल्ट से कर, पर आपकी फ्लीट बोल्ट से कर रहे हो? मैं नया हूँ इसलिए जगह पता नहीं, पीछे पीछे बाद में अप्लाई करूंगा बोल्ट के लिए। ओके ओके, तो सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, बाय बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू, थैंक्स वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। सर का ऑर्डर रेडी हो गया, सर को बाय कहते हैं। अब टर्न करते हैं सर के द्वारा सेकंड पर, सर जो चल रही थी आपने बताया था आपके पास कोई एक्सपीरियंस मलेशिया 3 महीने का था और आप भी फ्रेशर हो, क्या आपके होटल में भी फ्रेशर की वैकेंसीज है? है, है? जो लड़का आ सकता है, एक्सपीरियंस नहीं हुआ सकता, आ सकता है, आ सकता है, बड़े आराम से आ सकता है। तो गाइस पॉइंट नोट कीजिए, ये भी यहाँ पर भी लड़का एज ए फ्रेशर आ सकता है, अगर आप फ्रेशर हो दिल मत छोटा करना। और सर आपने बताया, बता पूछा कि वेटर की जॉब इजी होती है, क्या होती है जॉब दिन में दिन बताए, कितने घंटे होती है? 8 घंटे होते हैं। तो आप जो जॉब ऑर्डर लेने, कस्टमर से पैसे लेने, स्माइल देने, यही चीज होती है ना वेटर में ना, यही टेबल साफ करना ना, टेबल साफ करना। तो यही तो यार 55, यहाँ पर एज मैटर नहीं करती यार, आप 55 साल में यूके का प्राइम, थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए जो उसने लड़के ने कहा था। जो कस्टमर बोलते है वो कस्टमर जो बोलते है वो आपको समझ में आना चाहिए, वही है भाई। कोई खास 8 फेल लड़का भी आज तक क्वालिफिकेशन नहीं चलती, एक्सपीरियंस नहीं चलता, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी ही चाहिए, जब यूरो आपकी जेब में आके खुद आ जाती है। सर ने भी सीखी, मैंने भी सीखी। तो गाइस वीडियो कहीं भी छू रहा लाइक करो, और मेरा चैनल गैरी टीवी है जहाँ पर एक लड़का 2 साल फ्री वर्क वीजा लेकर इंडियन ऑडियंस सिर्फ इनिशियली यूके जा सकता है बगैर जॉब ऑफर और बगैर स्पॉन्सरशिप। तो गैरी टीवी सर्च यूट्यूब पर कर लीजिए। सर बताइए उस लड़के द्वारा उसका 2.5 लाख बनता है, पर मेहनत करनी पड़ती है, वो ऑनेस्ट है। आपकी लाइन में वेटर में अगर कोई आदमी ओवर टाइम करता कितना बनता है? नहीं मेरा ऐसा है कि ओवर टाइम के बगैर, ओवर टाइम के साथ, हेलो, ओवर टाइम के बगैर, हाँ बोलो कितने बनते हैं? मेरे 1000 यूरो है, हाँ बेसिक। नहीं कितने नेपाली बोल सकते, लाख में बनते हैं, 1-2 लाख, जो 1.5-2 लाख जितना, 1.5 लाख, डेढ़। अगर ओवर टाइम करो तो? अगर ओवर टाइम हो तो 2 लाख से तक। ओके सर के होटल में अप्लाई कीजिए, वीडियो कमेंट कीजिए, आपको कोई जॉब चाहिए वीडियो कमेंट में लिखिए, कोई आपकी हेल्प कर सकता है। पर फ्रॉड से बचिए, मेरा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, लोगों को पैसे अपने मत दिए, हम FIR दर्ज करेंगे, साइबर क्राइम पर करेंगे, ये बहुत सीरियस मैटर होते हैं जब आप किसी को डिफेम करते हो प्लस उसके नाम पर पैसा लेते हो। पर सर बताएं आपकी यहाँ पर आपने 2 लाख बन जाते हैं ओवर टाइम करने के बाद, क्या आप खुश हो? बिकॉज आप फ्रेशर हो, आपकी पीछे लाइफ बहुत टफ थी, आपने सर का कोई भी बाहर नहीं है रिश्तेदार है ना सर, बताओ इनका। ए से बी सर ने मेरा वीडियो देखकर माल्टा के होटल को ट्राई किया, लोकल रेस्टोरेंट से परमिशन लेकर सीवी को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया, और सर इस तरह आए हैं सर की जर्नी बहुत, सर ने पैसा भी फ्लाइट का भी कर्जा लेकर आए, सर ने अपनी जर्नी बताई, सर की जर्नी सारी जान, सर कोई सर का बाहर कोई दूर दूर तक नहीं है, है ना, मैं नहीं है ना, और सर को भी यूके जाना है, इतना दिन जज्बा कितना है, कम पढ़ा लिखा लड़का कहता है 2 साल यहाँ काम में यूके जाना है। तो जो लोग यूके जाना चाहते हैं आपके लिए बेस्ट है, मैं बताता हूँ आपको होटल के नाम फटाफट, हिल्टन में अप्लाई करो, IHG में करो, डॉलमन होटल यहाँ पर साथ में है, वगीवा में है, जितने भी होटल 5 स्टार हैं
सर्च करो वेटर का हाउस कीपिंग का सी बना कर भेजो, आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी आप मेरे पास आने पर आपका सी कटर खुद बना सकते हो यार, मेरे से ना बनाओ, बनाओ और अप्लाई करो, समर में ही जॉब होती है, विंटर में जॉब कम होती है, है ना, वो तो है। ये बात सत्य कह रहा ना, सच कह रहा हूँ, अभी जॉब कम हो रही है, कम क्योंकि विंटर आना शुरू हो गया, अगस्त आ गया, अक्टूबर के लास्ट के बाद जॉब कम होनी शुरू हो जाएगी। तो गाइस यही था वीडियो में बताया आपको होटल का नाम, उसने बोल्ट वोल्ट में काम करता है, डिलीवरी का सीवी बनाओ, पर अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन रखना, ये चेक करते हैं ना, ये 100% चेक होगा आपकी, मुंह पर कंट्रोल कीजिए कमेंट्स पर, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका एक बार बन गया आप इंडिया में जॉब नहीं करो, समाज अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई विश यू वेरी गुड, थैंक यू सर वेरी मच, बाय बाय। बोलो 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 बोलो, जो भी माल्टा में आना चाहता है वो नेपाल हो चाहे इंडिया से हो, मैं नेपाली में भी बोलूंगा इंडिया से भी बोलूंगा, मैं नेपाल का आदमी हूँ। बोलो बोलो, इधर में अगर आप कुकिंग और बार्टेंडर के जॉब सीख के आएंगे तो इधर में आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, पैसा बनेगा ना, मेन यही कह रहे, पैसा भी बनेगा, शान भी बनेगा, दोनों पैसा भी बनेगा, आपका शान भी बनेगा इधर में। अगर आपको कोई प्रोफेशन नहीं आता है तो यूरोप आना बड़ी बात नहीं है, आप कोई ना कोई प्रोफेशन सीख के आ जाए, यही बात कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, एंड यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं और वीडियो को जाते लाइक कीजिए, सर ने बहुत बड़ी बात बोली, कोई ना कोई स्किल सीख कर आओ तब भी आप यूरोप में सफल हो पाओगे, नहीं तो फिर आप लेबर ही करते रह जाओगे।